सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 11 पीसी में पेंडिंग अपडेट को कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करते हो मार्च के वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विंडोज सेटिंग ओपन करना है, उसके लिए आपको विंडोज की और आई प्रेस करना है। उसके बाद आपको जाना है विंडोज अपडेट में। विंडोज अपडेट में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस्ड ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शनल अपडेट, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए विंडोज अपडेट, एक विंडोज अपडेट है और ड्राइवर अपडेट 4 है। अब जो चाहे यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट द अपडेट्स यू वांट टू इंस्टॉल, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यानी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अगर आप ड्राइवर अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 ड्राइवर अपडेट्स हैं, आप जो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटेल का लीजिए। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद आपका पीसी आपको एक बार रिस्टार्ट करना है। तो आप इस तरह से विंडोज 11 पीसी में पेंडिंग अपडेट को चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक जिला चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।